नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन सिंह ग्रोवर, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन मैनेजर, आयुष्मान भारत योजना, जिला पानीपत। आप सभी के साथ एक जानकारी साझा करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवंबर 2022 में हरियाणा सरकार ने चिरायु योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत जितने भी हरियाणा के परिवार थे जिनकी सालाना आय 1,80,000 से कम थी, उन सभी को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया गया था और उनके आयुष्मान कार्ड बनवाए गए थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिनकी इनकम उस टाइम वेरीफाई नहीं हुई थी। एक्चुअल उनकी इनकम जो थी वो 1,80,000 से कम थी, लेकिन उनका नाम नहीं आया था क्योंकि वो वेरीफाइड नहीं हुई थी। तो उन सभी परिवारों को जिनकी इनकम लेट वेरीफाइड थी और जिनका नाम नहीं आयुष्मान भारत योजना में था, उन सभी को भी आयुष्मान भारत योजना में जोड़ दिया गया है। उन सभी के भी आयुष्मान कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। और जो परिवार जिनकी इनकम 1,80,000 से ज़्यादा थी और 3,00,000 से कम थी, और जिन्होंने 1,500 रुपये प्रीमियम दिया हुआ है या ऑनलाइन पे किया हुआ है, उन सभी के भी आयुष्मान कार्ड जो है वो बनने शुरू हो गए हैं। आप सभी से अपील है कि आप अपने नज़दीकी अटल सेवा केंद्र पे या फिर आयुष्मान एम्पैनल अस्पताल के आयुष्मान केंद्र पे जाकर आयुष्मान मित्रा से संपर्क करके जल्दी से जल्दी अपना व अपने परिवार का आयुष्मान कार्ड बनवाएं। धन्यवाद।